हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फोरी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनोल क्या है। तो चलिए जानते हैं फिनोल क्या है या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो इसका परिभाषा होता है फिनोल का, एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH सीधा डायरेक्टली मतलब सीधा बेंजीन न्यूक्लियस रिंग से जुड़ा होता है फिनोल कहलाते हैं। जैसे तो जैसा देखते हैं, जैसे में देखिए फिनोल ये है, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, ओक्रिसोल हाइड्रोक्सी टोलिन हो गया, उसके बाद ये आ जाता है, ये देखिए यम क्रिसोल हाइड्रोक्सी टोलुइन, उसके बाद ये है पी क्रिसोल यानी कि पी हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये हो गया। उसके बाद आता है फिनोल, उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1, 2, 3 आदि होने के अनुसार मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनोल आदि कहलाते हैं। जैसे तो देखिए, ये हो गया, इसमें एक है तो इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनोल कहलाएंगे। ये इसमें देखिए दो है, इसको ओ डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या कैटिकोल कहते हैं। इसमें भी देखिए दो है, डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या रिसोसिसोनॉल कहलाते हैं। उसके बाद ये पी डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या क्विनॉल कहलाते हैं। ये देखिए इसमें तीन है, तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या पाइरोगैलोल कहते हैं। इसके बाद इसमें भी तीन है, तो 1, 2 और 4 पे है, तो 1, 2, 3, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्सी क्विनॉल कहलाता है। इसमें देखिए 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या प्लोरो ग्लूसिनॉल कहते हैं। उसके बाद है मोनोहाइड्रिक फिनोल में हाइड्रोक्सी बेंजीन C6H5OH सबसे सरल और महत्वपूर्ण है। साधारणतः हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल कहते हैं। फिनोल उसके अम्लीय लक्षण के कारण कार्बोक्सिल अम्ल भी कहलाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कितना यूजफुल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।